नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्रकाश पाठक आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। क्या होता है कि आज मैं मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है मैथ्स, पर मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बच्चों को लगता है कि मैथ्स बहुत ही हार्ड चीज है, पर तो वो उसको प्रेशरली हैंडल करते हैं। मतलब कैसा कि अरे यार ये मैथ्स में ये सवाल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। तो मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स बहुत ही सरल चीज है। तो आज से मैं डेली आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो, डेली 2 या 3 मिनट का नॉर्मली वीडियो लेकर आया करूंगा, जिसका सब्जेक्ट रहेगा अपना मैथ्स फन। मतलब मैथ्स का कुछ इजी ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे हम लोग नॉर्मली। तो मेरे उसे अपन लोग सीखना स्टार्ट करें, उससे पहले एक मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली कहता हूँ कि कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े और आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया लेते आएंगे मैं, मेरे दोस्त और जो भी सारे लोग हैं वो। आइए शुरू करते हैं मैथ्स फन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था 8th स्टैंडर्ड में, तब एक फॉर्मूला आया था ए प्लस क्या है कि हिंदी के साथ साथ शायद मेरी मैथ इंग्लिश भी खराब है ऐसा कुछ लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी टाइप का स्टूडेंट था, तो मैं अपने टीचर से पूछ लिया कि सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो मेरे सर आए और मुझसे कहते हैं चंद्रप्रकाश ज्यादा सवाल नहीं, बस तुम्हें याद करना है कि इसका फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ये कह दिया गया कि रट्टा मार लो। मैंने कहा ठीक है सर भैया, रट्टा मारा जैसे तैसे सीखा, और एक दिन में मैंने याद किया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे चल के ये समझ में तो नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़े दिन गुजरे, दिमाग में एक क्वेश्चन सा चलता रहा कि भैया क्यों। तो आप मैं बताता हूं कि आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों आता है। तो हम एक लाइन खींचते हैं नॉर्मली छोटी सी, ये इसको हमने नाम दिया ए, ठीक है ये लाइन है एक ए। अब इसमें हमने कुछ जोड़ते हैं नॉर्मली, आप उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है ए प्लस बी। अब इसमें हमने ये ए लाइन है और इसमें हमने जोड़ा है क्या बी, ठीक है थोड़ा बी को लंबा रखते हैं। अब क्या हुआ, ए हो गया, ये हो गया बी। अब ये ए प्लस बी तो हो गया, अब हमसे पूछा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर बनाते हैं, अब आपको नॉर्मल पता होता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यानी वर्ग। तो ये ए प्लस बी को हमने माना और ये कर दिया इसका वर्ग, ठीक है। अब ये ए है तो ये यहां तक जाएगा और ये एक यहां से ए यहां तक जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा दो छोटे छोटे वर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो एक ही ये वाली साइड ये होगी, ये और ये। तो आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एक ये हो गया ए स्क्वायर। थोड़ा इस तरफ लिखता हूं, मुझे भी आसानी रहेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, तो हमने देखा एक छोटा सा हमें स्क्वायर मिला जिसका क्या है ए साइज का एक स्क्वायर मिला है हमें, और नीचे हमने देखा तो ये बड़ी लाइन हमने कौन सी खींची थी, बी की। तो ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी और ये भी बी, ठीक है। तो हमने देखा, तो अब आगे जाके हमने क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस, अब ये तो है ये सारा जुड़ा हुआ ही है, तो हमने क्या किया बी स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर मिला प्लस बी स्क्वायर मिला। अब
अब ये क्या है, ये है बी, बड़ी वाली लाइन बी थी, छोटी वाली लाइन ये हो गया बी, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला है, एक ये ए बी मिला है और एक ये ए बी, क्योंकि आपको पता होगा रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि एक ये ए बी मिला है और एक दूसरे नंबर का ए बी मिला है हमें, तो दो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये इसकी चौड़ाई मान ली जाती है और ये इसकी लंबाई, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने देखा कि हमारे पास कितने रेक्टेंगल है, एक ये और एक दो, तो अब हमें दो का जोड़ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, टू टाइम्स ए बी। अब हमें एक ये मिला, एक ये भी मिला, तो एक और दो, दो कितने हो गए, दो ए बी है हमारे पास। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्यों होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।